को लेकर बड़े बड़े दावे करती आ रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की कुछ तस्वीरें और ही बयां कर रही है। नमस्कार, मैं हूं किरण चमोली और आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज। सरकार लगातार सरकारी अस्पतालों के हालात सुधारने की बात करती है, लेकिन हालात सुधरने की बजाय जिन अस्पतालों में हालात थोड़ा बेहतर है उनको भी बेहाल करने में जुटी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिहरी जिले के चाम कंडीसौड़ की, जहाँ लोग CHC में डॉक्टरों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। क्या है पूरा मामला, आइए देखिए। ये आम मतलब साधारण से एक प्रसव होता है और प्रसव के लिए यहाँ लेडीज को लाया जाता है, लेकिन ये बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ सुविधाएं नहीं। और जाके सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा प्रसव के लिए यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की आस लगाए बैठे लोग। टिहरी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल है। अस्पताल तो है, लेकिन उनमें मानकों के मुताबिक डॉक्टर नहीं है। अब बिना डॉक्टरों के अस्पताल का क्या फायदा। एक ऐसी ही वानगी है CHC शाम कंडीसौड़ की। कंडीसौड़ के स्थानीय लोगों ने डॉक्टरों की मांग को लेकर धरना प्रसन्न कर जिला अधिकारी को ज्ञापन भेजा है। तहसीलदार के माध्यम से जिला अधिकारी को भेजे ज्ञापन में स्थानीय लोगों ने कहा है कि CHC छाम कंडीसौड़ में 5 डॉक्टरों की पूर्व में नियुक्ति की गई थी, लेकिन विगत माह 2 डॉक्टरों को कुंभ ड्यूटी में व 2 डॉक्टरों को अन्यत्र भेज दिया गया। मात्र एक डॉक्टर के भरोसे CHC छाम कंडीसौड़ का अस्पताल चल रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के उपेक्षापूर्ण रवैये से स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। इसी से गुस्सा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, व्यापारियों ने CHC में सांकेतिक धरना देते हुए शीघ्र डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार माधवानंद बहुगुणा को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सुमन सिंह गुसाई, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुमेर सिंह पवार, ग्राम प्रधान मुकेश रतूड़ी, पूर्व प्रधान गंभीर सिंह गुसाई, गोपाल खंडू आदि मौजूद रहे। TNN के लिए भारत बिस्ट की रिपोर्ट। की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। अभी मेरी वाइफ की तबीयत बिल्कुल सीरियसली है, बहुत ही क्रिटिकल केस हो रखा है। अभी जब हॉस्पिटल में मैं पहुंचा हूं, यहां पे देख रहा हूं कि ना वहाँ यहां पे कोई वार्ड बॉय है, ना भी डॉक्टर है। जब पता किया यहां पे एमरजेंसी केस है, पता किया कि सर कि जहां पे डॉक्टर बोला कि डॉक्टर और जो स्टाफ नर्स है वो डिलीवरी साथ कहीं नेटरी जा रखी है। ना सर बैकअप के लिए बोल रहा हूं कि ना कोई व्यवस्था है बैकअप, डॉक्टर को फ़ोन कर रहा हूं, वो बोल रही कि DM साहब को तुम फ़ोन करो, जो मर्जी वो कर लो। सर मैं यहां पे देख रहा हूं, बताओ। जब मैं खुद सरकारी कर्मचारी हूं, खुद ही हॉस्पिटल से मुश्किल 200 मीटर भी मेरे कार्यालय है ब्लॉक तहसीलदार में, जब हमारे साथी स्टाफ में ऐसा हो रहा है। अब आप बताएं कि मतलब जो आम लोग यहाँ पे आ रहे होंगे तो उनके साथ इनकी क्या क्या व्यवहार होगा, क्या इनकी व्यवस्थाएं होगी, क्या कुछ होगा। सर हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बताओ। मतलब मैं नंगे पाँव, आप चाहिए आप नीचे से ऊपर लेकर, मैं नंगे पाँव खड़ा हो रखा हूँ, बिल्कुल नंगे पाँव हूँ, और इनके हाथ पैर जोड़ के मैं बोल रहा हूँ क्या होगा क्या होगा। मैडम बिल्कुल, मैं CMO को फ़ोन कर चुका हूँ, बोल रही कि मैं एक्शन लूँगा, मैं एक्शन लूँगी, मैं एक्शन लूँगी, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।